भाई ये वीडियो एक अभी एक एट रैंडम बना रहा हूँ, अभी रास्ते से गुजर रहा था तो ये जो देख रहे हो दो चार बच्चे हैं ये गुब्बारे बेच रहे थे, ये मांग नहीं रहे थे किसी से कुछ, तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि इनका सारा गुब्बारा जो भी है ले लूं और इन्हें आज रेस्ट दूं, इन्हें घर भेजूं, जो घर जा करके इधर आओ इधर आओ इधर आओ ना बगल में कुछ नहीं। इधर देखो ये जो लोग हैं ये जो आप देख रहे हो ये सारे वही बच्चे हैं जिनको खाने के लिए अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो खाने के लिए सिर्फ ये जो गुब्बारा देख रहे हो ना आप टोटल इधर दिखाओ गुब्बारा वो फुला वाला ये जो देख रहे हो आप यही ये बेचते हैं और इनसे ही इनकी रोजी रोटी चलती है। मतलब बच्चे खाने के लिए नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने की बात तो दूर है, खाने के लिए नहीं है, इसलिए इनके पास जो भी है टोटल मैं ले रहा हूँ और लगभग 8-10 इनके पास है जिसका एक का रुपये 10 रुपये प्राइस है और मैं इनको टोटल ये फुला करके जब देते हैं तब इनके प्राइस 10 रुपये होते हैं, वैसे 1-2 रुपये के ही हैं तो इनके टोटल प्राइस हुए 100 रुपये, ठीक है, लेकिन मैं इन्हें 200 रुपये दे रहा हूँ ताकि आज ये घर जाएं और घर जाकर के आराम करें, खाना खाएं, सोएं, एक बच्चों वाली जो जिंदगी होती है वो जिंदगी ये जी सके। ये लो इधर बताओ इधर दिखा दो ऐसे दिखा दो इधर देख लो यही वो बच्चे हैं जिनको मैं दे रहा हूँ और ये भी मैं भी लेके जा रहा हूँ अभी और मैं भी बांटी दूंगा किसी को, मेरे भी कोई ज्यादा यूज का है नहीं ये तो मैं जा रहा हूँ ये बांट दूंगा या रूम में लगा दूंगा, लेकिन इनको सिर्फ आराम मिले, ये घर जाकर के आराम करे, खाना खाए सही से, इसलिए बस इनका सारा ले लिया, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा और दूसरा कोई भी मकसद नहीं था, अभी मैं अब रूम में आ चुका हूँ तो आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा क्या मकसद था। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ दिखावा कर रहा हूँ या 100-200 रुपये दे करके कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 100-200 रुपये आप भी इधर उधर डेली खर्च करते होगे, इधर लाते होगे, उधर देते होगे, किसी न किसी चीज में उड़ा देते होगे, मगर मेरा जो ये था एक इसका लक्ष्य ये था कि ये जो बच्चे हैं वो जो दिन भर काम करते हैं जिनके पास काम करने के सिवा दूसरा कोई भी चारा नहीं है वो खाना कहाँ से खाएंगे। मेरे 200 रुपये देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आज जाएंगे वो खाना खाएंगे, बहुत से बहुत होगा तो कल भी जाके खाना खा लेंगे, लेकिन फिर परसों से तुमको काम करना ही है। लेकिन सिर्फ मेरा लक्ष्य ये था कि कम से कम आज जा करके वो घर, उनके पास एक भी मैंने गुब्बारा नहीं छोड़ा, मैं चाहता तो उनसे सारे गुब्बारे के पैसे, मतलब गुब्बारे लेकर के पैसे ऐसे भी देता और गुब्बारे भी फिर उन्हीं को देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो सारे गुब्बारे मैं उनसे ले लूं और वो घर जाकर के आज आराम करे, बच्चों की जो एक फील होती है खेल कूद जो होता है वो जाकर के वो जिए, उन्हें बच्चों वाली फील तो कम से कम आए, मेरा सिर्फ एक यही लक्ष्य था। और आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का मेरा एक और लक्ष्य ये भी है कि जहां पर मैं भी देखो यार जरूरतमंदों की मदद, जरूरत लगता है आपको, मांगने वाले की मैं नहीं कर रहा हूँ या मांगने वाले के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, जवान लोगों की भी मैं बात नहीं कर रहा, जो बच्चे और बुजुर्ग हैं और जो इस सिचुएशन में जब उनको आराम करना चाहिए, जब बच्चे की खेलने की उम्र है, बुजुर्ग की आराम करने की उम्र है, तब भी वो जब काम कर रहे हैं तब हमारा एक अंदर से एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि यार ये बच्चे देखो अभी इनको खेलने का उम्र है और ये काम कर रहे हैं, ये अपने खाने के लिए गुब्बारे बेच रहे हैं और तब इन्हें 2-4-5 रुपये मिलेंगे, तब ये जाकर के भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। और बूढ़े जिन्हें आराम करने की उम्र है, जिन्हें अब अपने बेटों पोतों के साथ खेलने की, रहने की उम्र है, आराम करने की, वो भी काम करें, तो वहां से भी हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा बस इतना ही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि जहाँ भी ज़रूरतमंद दिखे उसकी मदद करो, और मुझे लगता है कि ऐसा आपको भी करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं बहुत से बहुत कभी जाऊँगा 100-200-500 दे दूंगा किसी को, 1,000-2,000-5,000-10,000 दे दूंगा, लेकिन उससे बदलाव नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब मैंने उस बच्चों को कहा कि तुम लोग अब आज से स्कूल जाओ, स्कूल जाकर पढ़ो, जहाँ भी दिक्कतें आई मेरे से बात करो, मैं यहीं पर रहता हूँ, मैंने उसे यहाँ तक कि अपना घर तक दिखा दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, तुम लोग इस यहाँ पर आकर के कभी भी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत हो तो आप तुम यहाँ आ सकते हो, कॉपी किताब ले सकते हो, जहाँ भी खर्चे की जरूरत हो मेरे से बात कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। और वहीं पर 2-3 बच्चे और भी थे जो मांग रहे थे, मैंने उन्हें भी समझाया कि तुम लोग भी अगर नहीं ऐसा कर सकते हो, नहीं खाने की दिक्कत है, तुम लोग भी ऐसा ही करो, कुछ ले आओ, कुछ बेचो, शाम में या दिन में कभी भी 2 घंटे मेहनत कर लो, बेचो, इससे 150 रुपये आ जाए, कम से कम मांग ही कितना लोगे, बहुत से बहुत दिन में 10 लोगों से मांगोगे, 50 लोगों से मांगोगे तो 5-10 लोग देंगे, जैसे 5-10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये लोग देते हैं आजकल, रुपये लोग देते भी नहीं है मांगने वालों को भी, तो तुम लोग भी बेचो
और उससे एक खुददारी वाली जिंदगी जियो। मैंने उन लोगों को भी समझाया, दो तीन बच्चियां थी वहां पर में, लड़कियां छोटी छोटी, जो भी जो मांग रही थी। तो मेरा एक यही लक्ष्य है अपने जीवन में कि बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे तरफ से जहां तक हो सके मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं और करूंगा भी। मेरा एक है भी ऐसा एम, जिंदगी का लक्ष्य। और बुजुर्गों के लिए आराम का व्यवस्था होना चाहिए, उन्हें बुढ़ापे में कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जहां भी जो जरूरतमंद देखे उसका मदद कर दिया करो। और मैं तो ये सब कहने वाला भी कोई नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जो हमारी जो फीलिंग है वो मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई चैनल बहुत बड़ा हो जाए, या मैं कोई बहुत बड़ा बन जाऊं या बहुत बड़ा हूँ, इसका कोई मकसद ऐसा नहीं है। इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझे और लोग इस बात के भावना को समझ पाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, हमें भी ऐसा करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।